तो वही शो तारक मेहता का उल्टा समय में एक और कलाकार ने शो को छोड़ दिया है। जी हाँ गाइस, तारक मेहता शो के अंदर जहाँ एक के बाद एक कलाकार इस शो को छोड़ रहे हैं, तो उसमें एक और नंबर शामिल हो चुका है। और गाइस इस बार अगेन एग्जिट हुई है टप्पू सेना के एक मेंबर की। गाइस शो में काम करने वाले गोली ने हमेशा के लिए 16 साल के बाद इस शो को अलविदा कह दिया है। अब गोली आपको कभी भी शो के अंदर नज़र नहीं आएंगे। वेल गाइस, अगर बात करें बीते कुछ टाइम में यानी 2-3 सालों के अंदर ही तारक मेहता शो की ज़्यादातर कास्ट चेंज हुई है। सबसे पहले दयावीर ने, फिर तारक मेहता ने, फिर अंजलि भाभी ने, और भी कई सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक के बाद एक शो को छोड़ दिया है और अब इस लिस्ट में शामिल हुआ है गोली। वेल गाइस, अगर ये बात कहें कि पूरी टप्पू सेना में मात्र गोली का ऐसा मेम्बर था जो कि कॉमेडी करता था, तो ये बात कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टप्पू सेना के अंदर जो भी गोली का जो कैरेक्टर है वो उसकी बॉन्डिंग जेठालाल के साथ में एकदम यूनिक रहती है। जब भी जेठालाल और गोली एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो वो सीन काफ़ी फनी होते हैं, और ऐसा बाकी टप्पू सेना के मेंबर के साथ में नहीं है। वेल दोस्तों, इसका एक रीज़न ये भी है कि ज़्यादा टप्पू सेना चेंज हो चुकी है और हर एक किरदार करीब 2 से 3 बार चेंज हो चुका है, यानी कि शो के अंदर जो टप्पू का किरदार निभाते हैं वो किरदार भी करीब 3 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहले भावे गांधी, उसके बाद राजनाथ कत, एंड उसके बाद नीतीश बलूनी। एंड सेम चीज़ है सोनू के किरदार के साथ, यानी पहले झील मेहता, फिर निधि भानुशाली और पलक सिद्धवानी, और वही सब हो चुका है चेंज गोली। सो गाइस, अब शो के अंदर एक नए गोली की एंट्री तो हो चुकी है, बट फैंस इस किरदार को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे गाइस ये कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जब भी तारक मेहता शो के अंदर कोई भी चेंजेस होता है किसी कलाकार का, तो फैंस शुरुआत में तो उसे मना करते हैं, बट बाद में उन्हें मजबूरी में उस किरदार को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एंड सेम चीज़ होने वाली है गोली के साथ में भी। अब ये नया गोली पिछले गोली से कितना अलग काम करता है, कितनी अच्छी कॉमेडी करता है, ये सब तो हमें अब आने वाली स्टोरी में